तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक कॉलम के लिए या एक बीम के लिए या किसी भी एक आरसीसी मेंबर के लिए आपको मैन्युअली साइट पर अगर निकालना पड़ता है कि उस कॉलम में उस बीम में कितना सीमेंट लगने वाला है, वो आप कैसे खड़े खड़े वहाँ पे निकाल दोगे। ठीक है, जनरली देखिएगा हम लोग कास्टिंग करवाना पड़ता है, जैसे ब्रिकवर्क करवा रहे हैं बैंड बीम का कास्टिंग करना है, ब्रिकवर्क करवा रहे हैं वहाँ पर हम लोग को डोर फिक्सिंग करवाना है, तो डोर के साइड में हम लोग स्टूल कॉलम लगाते हैं। जैसे ये अगर मेरा दीवार है, यहाँ पर हम लोग का दरवाजा बनेगा, तो दरवाजा के साइड में हम लोग स्टूल कॉलम बनवाते हैं जो कि हमारा आरसीसी का होता है। समझ में आ गया? इसके लिए हम लोग को सीमेंट क्वांटिटी निकालनी पड़ सकती है। विंडो के लिए प्रोजेक्शन कास्टिंग करवाना है, उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ सकता है सीमेंट का क्वांटिटी। तो आप लोग साइड पे कैसे निकालोगे? तो जनरली बेसिक हम लोग आज हम लोग जो सीखने वाले हैं एक कॉलम में कैसे आप लोग सीमेंट निकालोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। चलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके लिए मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, मैंने कॉलम में सीमेंट क्वांटिटी निकालने के लिए एक कॉलम यहाँ पे पकड़ा हुआ है जिसका साइज है 600x300 का। ठीक है, इसका लेंथ है आपका 600 mm और विथ है आपका 300 mm, और कॉलम का जो हाइट है वो मैंने यहाँ पे 3 मीटर पकड़ा है जो कि जनरली होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कॉलम में निकालेंगे कि इस कॉलम में हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है। ठीक है, इस कॉलम में हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है अगर हम लोग कास्टिंग करवाते हैं तो जनरली साइट पे। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स डिजाइन करते हैं, लेकिन वो M25 से M20 तक हम लोग नॉमिनल मिक्स कर सकते हैं अपने साइट पे। ठीक है, ये IS कोड बोल देता है। तो हम लोग को सबसे पहले पता होना होगा कि अगर हम लोग को सीमेंट क्वांटिटी निकालना है तो इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या है। तो हम लोग जो स्टूल कॉलम का यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे डोर के साइड में डालने के लिए या लिंटल के लिए या बैंड बीम के लिए, तो जनरली वो हमारा रहता है M20 का। ठीक है, M20 ग्रेड का रहता है, M20 ग्रेड का। तो M20 का मेरा जो रेशियो है वो कितना होता है, वो होता है आपका 1.5:3। ठीक है, इसमें वन पार्ट मेरा क्या है, ये है मेरा सीमेंट, ये है मेरा सीमेंट, ये 1.5 है मेरा सैंड और 3 है मेरा अग्रीगेट। ठीक है, अग्रीगेट। तो अगर आप लोग भी कहीं पर कुछ कास्टिंग करवा रहे हो ना, तो चुपचाप आप ये ग्रेड ले लीजिएगा, इस ग्रेड से आप आरसीसी का कास्टिंग जो है वो करवा सकते हो। स्टूल कॉलम वगैरह हो गया, बैंड बीम हो गई, लिंटेन हो गया, छज्जा हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, सन शेड हो गया, इन सब का आप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो यहां से हम लोग निकालेंगे इस कॉलम में अगर मेरा कास्टिंग होता है, यानी कि ये कॉलम मेरा कौन से ग्रेड का हो गया, M20 ग्रेड का हो गया। यहां से हम लोग निकालेंगे इसमें सीमेंट मेरा कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले सीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस कॉलम का वॉल्यूम पहले निकालना होगा। तो इस कॉलम का मेरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉलम। ठीक है, ये होता है मेरा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलिए लेंथ यहाँ पे कितना है देख लीजिए, मैं इसको ही लेंथ मानता हूँ, तो 600 mm है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबका यूनिट सेम करेंगे, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में करेंगे। तो 600 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0.6 मीटर हो जाएगा, और ये 300 mm जो है ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आप बैठा देते हैं फॉर्मूला की जगह, लेंथ की जगह हो जाएगा मेरा 0.6, ब्रेथ की जगह हो जाएगा 0.3 और हाइट की जगह मेरा हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है देखते हैं, ये आपका आ गया 0.54, इतना एम क्यूब या क्यूबिक मीटर जो भी आप बोल लो। ठीक है, क्यूबिक मीटर या एम क्यूब भी आप बोल सकते हो इसको, एम क्यूब। ठीक है, इतना क्यूबिक मीटर निकल गया। अब इसमें हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे, लेकिन रुक जाइए, ये जो मैंने निकाला ना, ये आपका है कौन सा वॉल्यूम, ये है आपका वेट वॉल्यूम। लेकिन हम लोग जब मार्केट में सीमेंट खरीदने जाते हैं तो उसको क्या भीगा भीगा वेट कंडीशन में खरीदते हैं, नहीं ना, हम लोग ड्राई कंडीशन में खरीदते हैं, सूखा हुआ सीमेंट खरीदते हैं। तो हम लोग को इस वॉल्यूम को पहले क्या करना होगा, ड्राई में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग 54% से बढ़ा देंगे। तो मेरा वेट वॉल्यूम है 0.54 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.54 से, तो जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट 54% इंक्रीज होके आपका वेट वॉल्यूम निकल जाएगा। एक्चुअली में हम लोग कर रहे हैं इसका 54% बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए 1.54% कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, यह है आपका 0.83
टू एम क्यूब, ठीक है, इतना एम क्यूब। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सीमेंट कितना है, यही मेरा फाइनल हो गया। समझ में आ गया, समझ पाए ना वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम क्या हुआ। ड्राई वॉल्यूम हम लोग सीमेंट तो ड्राई कंडीशन में कर देंगे ना, इसलिए हम लोग क्या करना होता है, कॉलम का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होता है ड्राई वॉल्यूम में। तो ये मेरा ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि हमारा सीमेंट कितना है। तो यहाँ से हमारा सीमेंट क्वांटिटी क्या निकल जाएगा, देख लीजिए, ये हो गया सीमेंट QTY क्वांटिटी, ठीक है। सीमेंट क्वांटिटी क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख लीजिए जो रेशियो था, अब इसका हम लोग को गेम है, हम लोग को क्या करना होगा ना, इन तीनों को ऐड करके भी रख लेना होगा क्योंकि फार्मूला में वो यूज होता है। सबसे पहले फार्मूला क्या बोलता है, ऊपर में देखिए फार्मूला बोलता है आपका रेशियो ऑफ सीमेंट बाई सम ऑफ रेशियो। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है क्या, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला है ना वो वाला, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम, ये ड्राई वॉल्यूम। अब इतना अगर आप सिप करके निकाल दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्यूबिक मीटर में, उतना क्यूबिक मीटर मुझे सीमेंट चाहिए। लेकिन हम लोग को सीमेंट जब मार्केट में खरीदते तो कैसे खरीदते हैं, केजी में, बैग्स में जाकर खरीदते हैं ना। तो केजी में खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें और एक चीज मल्टीप्लाई करना होगा, वो होगा आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका केजी में आ जाएगा। चलिए वैल्यू बैठा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए रेशियो ऑफ सीमेंट सबसे पहले बोला है, तो रेशियो ऑफ सीमेंट कौन सा है, ये वन, ठीक है, वन, तो वन बैठा देते हैं। सम ऑफ रेशियो मतलब ये जो तीन रेशियो है ना इसको सम करना है, ऐड करना है, ऐड कीजिए कितना होगा, 3, 4, 5, 5.5 मतलब 5.5, ये आ गया। अब इसको बैठा देना है यहाँ पे 5.5 की जगह, ठीक है। अब ड्राई वॉल्यूम मेरा कितना लिखना था उस कॉलम का, देख लीजिए 0.832 ना, ये वाला लिख दीजिए 0.832। अब इसमें अगर आप सिर्फ इतना कैलकुलेशन कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अब क्यूबिक मीटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट मेरा कितना होता है 1440 केजी पर एम क्यूब, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 217.83 इतना केजी। तो हमारा इस कॉलम को कास्टिंग करने के लिए इतना केजी सीमेंट लगने वाला है। अब जनरली हम लोग बैग में ही खरीदेंगे ना, केजी में तो जाके खरीदेंगे नहीं खुला खुला, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा करवाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को ट्रांसफर करना है इसको बैग्स में, तो एक एक बैग कितना का आता है, 50-50 केजी का आता है, इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा किस में, बैग्स में। तो इन बैग्स में निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 50 से, ठीक है। तो 217.83 डिवाइडेड बाई 50, ये आपका आ गया 4.356। अब इस तरीके से तो आप इतना तो सीमेंट बैग नहीं मंगाओगे ना, इसको अप्रॉक्स में मैं मान लेता हूँ 5 बैग, ठीक है, 5 बैग। इसी पे एक के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जितना मन चाहे उतना कॉलम के लिए निकाल सकते हैं। इस टाइप का अगर बहुत सारा है तो इतना को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना बैग आपका निकल जाएगा उतने कॉलम के लिए। अलग अलग है तो सबका आपको पहले वॉल्यूम निकालना है, उसको ड्राई में कन्वर्ट कर देना है, ड्राई में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। इस तरीके से आप सीमेंट बैग अपने कॉलम के लिए, अपने लिंटल के लिए, अपने प्रोजेक्शन के लिए, सनशेड के लिए, किसी भी RCC मेंबर के लिए आप आराम से मंगा सकते हो। तो ये है थियोरिटिकल पार्ट, ठीक है। वहीं अगर इसको आप M20 कहीं मिक्स डिजाइन करके अगर आप सीमेंट निकालोगे तो इतना सीमेंट आपका नहीं लगेगा, कम लगेगा। समझ में आ गया, मिक्स डिजाइन करने से कम जाता है सीमेंट। एक्चुअली थियोरिटिकली जब निकालते हैं ना तो ये कुछ ज़्यादा आता ही है, और प्रैक्टिकली साइड पे हम लोग कास्टिंग करवाएंगे ना तो भी इतना नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा कम ही पकड़ लेते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। बहुत जन को ये प्रॉब्लम होगा कि सर हम लोग को CFT में निकालना सिखाइए, तो ये जो आपने निकाला था ना 1/5.5 × इतना आपका क्यूबिक मीटर था, ठीक है, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो हमारा केजी में आया। अगर ये क्यूबिक मीटर को ही, मतलब 1/5.5 × 0.832 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि क्यूबिक मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते 35.3147 से, तो वो CFT में आपका कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया, आपको इतना लिखना है इंटू यहाँ पे 1440 की जगह 35.3147 कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो CFT में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीमेंट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं कॉलम में। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं लाऊँ वो आप लोग को मिलता रहे। गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।